हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको भी मिलता है और उनको केवाईसी करवाना कितना ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आपको आपके मिलने वाले पेंशन के लिए केवाईसी करवाना पड़ता है, चाहे वो आपका वृद्धजन पेंशन योजना हो या फिर आपको विकलांगता पेंशन मिलता हो। किसी भी तरीके का सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको मिल रहा है तो आपको केवाईसी कराना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, सरकार के कई गाइडलाइंस के बावजूद भी बहुत सारे लाभार्थी हैं जो अपना केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। उनमें से कई लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने राज्य से बाहर चले गए हैं और वो अपना जो केवाईसी है वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो आप अपने राज्य से बाहर किसी भी सीएससी सेंटर पे अपने पेंशन के रिलेटेड आप बाहर से ही सीएससी के माध्यम से करवा सकते हैं। ये सुविधा पूरे देश में अवेलेबल है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे सीएससी सेंटर पर जाके अपना जो केवाईसी है वो करवा सकते हैं। अगर आप केवाईसी अपना कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो किसी भी समय आपका जो पेंशन है उसे बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका लाभ लेने के लिए आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। अभी भी लाखों लाख की संख्या में लाभुक हैं जो अपना केवाईसी अभी तक नहीं करवाए हैं और सरकार ने इस टाइम पीरियड को कई बार बढ़ा दिया है ताकि किसी भी लाभार्थी का जो पेंशन है वो गलती से भी सरकार के द्वारा ना रोकी जाए, लेकिन लाभुक जो है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाएं और अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करें। अगर आपने अपना केवाईसी करवाया है तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें और अपना जो नाम है वो जीवन प्रमाण की लिस्ट में देखें। अगर आपका नाम दिखा रहा है तो आप केवाईसी जरूर करवाएं। चलिए, लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप एक लाभार्थी हैं जो पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको इस साइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर सीएससी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट है या फिर नहीं है वो चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट के पोर्टल से यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी पेंशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप तीन चीजों से अपने लाभार्थी को सर्च कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से और बेनिफिशियरी आईडी से। आधार नंबर से सर्च करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप आधार नंबर से यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेटेड अगर आ गया तो इट मीन्स आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीटेड है। यहाँ पे जो केवाईसी है दो पार्ट्स में होती है, एक तो सबसे पहले डेमोग्राफिक जो है वो ऑथेंटिकेट होता है, उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो डेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो नेक्स्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अब जो होगी वो होगी 31/5/2023 को। तो यहाँ पे इनकी जो दोनों स्टेप्स कंप्लीट है, इट मीन्स इनका जो केवाईसी है वो अभी पेंडिंग नहीं है और इनको अब जो पेंशन का लाभ है वो मिलता रहेगा। इनका पेंशन जो है कभी भी अब नहीं रोका जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने करवा लिया है तो यहाँ से आप कंफर्मेशन ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके जो ऑथेंटिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं तो कई बार जो जहाँ से आप ऑथेंटिकेशन करवाते हैं वहाँ पे एक ही पार्ट को करके छोड़ दिया जाता है या फिर वो सर्वर के एरर के कारण भी रिवर्स में आ जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो केवाईसी है वो क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप अपनी जो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसको देख सकते हैं और उसका जो डेट है नेक्स्ट ई केवाईसी आपने कब करवानी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस साइट पे आके ना आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है कि आप ई केवाईसी कर सकते हैं। कि आपको अगर ई केवाईसी करने में किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे चैनल पे आके यहाँ पे आप ई लाभार्थी सर्च कर सकते हैं। जब आप ई लाभार्थी सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस के रिलेटेड जो भी इशू आता है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी लाभार्थी का फिंगरप्रिंट या फिर आँख की जो आईडीज है वो अपडेटेड नहीं है आधार कार्ड में, तो वो जो है अपने नज़दीकी
ब्लॉक में जाके, अपने संबंधित ब्लॉक में जाके अपना जो ई केवाईसी है वो फिजिकल मोड में करवा लें। उनको एक फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा और आधार कार्ड की जो कॉपी है वो लेके जानी पड़ेगी, ताकि उनका जो केवाईसी है वहाँ पे किया जा सके। एक बार आपकी जो केवाईसी कंप्लीट कर ली जाएगी तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका जो केवाईसी है वो ओके हो जाएगा, तो आपको जो पेंशन है वो मिलता रहेगा। इसके लिए वहाँ पे ब्लॉक में स्टाफ्स हैं, आप जाके उनके संबंधित विभाग में जहाँ से भी पेंशन का डिपार्टमेंट है उसमें आप जाएं और बोले कि मेरा जो है फिंगरप्रिंट और आईडीज दोनों किसी भी सीएससी सेंटर पर नहीं कैप्चर हो पा रहा है, तो वहाँ से वो जो है आपकी फिजिकल मोड में केवाईसी कर देंगे और विभाग जो है आपका पेंशन कभी भी नहीं रोकेगा, आपका चालू रहेगा। आगे चल के आप अपने आधार कार्ड में फिर अपना जो फिंगरप्रिंट है और फिर आँख की जो आईएस है उसे अपडेट करा ले, ताकि अगली जो नेक्स्ट ईयर की जो केवाईसी होगी वो आप कहीं से भी कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पे ईला भारती के सर्वर पे अभी थोड़ी इशू चल रही है, थोड़ा स्लो साइट चल रहा है, तो एंट्री रिपोर्ट में आप आएंगे इसके होम पेज पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधार जीवन प्रमाण ऑथेंटिकेटेड अनऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी लिस्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आधार से जिन्होंने भी ऑथेंटिकेट किया है, यानी कि जिनका सक्सेस हुआ है या फिर जिनका फेल हुआ है केवाईसी, उसका लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पेंडिंग जो भी है, जिनका भी नाम लिस्ट में होगा पेंडिंग लिस्ट में, उनको अपना जो केवाईसी है वो करवा लेना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो केवाईसी आपकी जो पेंशन है वो किसी भी समय रोकी जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आप फिजिकल वेरीफाइड बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं, जिनका भी फिजिकल मोड में केवाईसी किया गया है, यानी कि जिनका फिंगरप्रिंट और आईडीज दोनों कैप्चर नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप इसी साइट से देख सकते हैं। अगर आपके खाते में किसी तरह की का कोई प्रॉब्लम है, आपका खाते का केवाईसी नहीं है हुआ है, तो आप अपने बैंक में जाकर केवाईसी करवा लें, या फिर अगर आपका कोई खाता है जो बंद हो गया है तो आप अपने खाते का जो डिटेल है वो अपने संबंधित ब्लॉक में जाकर जमा कर दें, ताकि आपकी जो डिटेल्स है उसे नए पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए, ताकि आपके दूसरे खाते में आपके नए वाले अकाउंट बैंक अकाउंट में जो पेंशन का पैसा है वो भेजा जा सके। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप अपने ब्लॉक में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन खाली आपको केवाईसी करवाना है तो आप किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं, वहां से अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करवा लें, अदरवाइज किसी भी समय आपका जो पेंशन है पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। और एक बार पेंशन रुक गया तो उसको चालू करवाने में कितना वक्त लगता है, कितनी मुश्किलें आती हैं, हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।